हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, आज हम जीओसी में बेसिक स्ट्रेंथ को रिवाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है बेस का काम क्या है? बेस लोन पेयर डोनर होता है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हमें चेक करना है तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर देखना है। ठीक है, तो स्ट्रांग बेस वो होगा जहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस केसेस में बच्चों, जो ग्रुप है हमारे पास डोनेटिंग और विड्राइंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, मतलब कि बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, और अगर इसके उल्टा विड्राइंग ग्रुप रहा तो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे देखते हैं कि हमने लिया है आर एन एच टू। ठीक है, और बच्चों बेस है, अगर ये बेस का काम करता है तो ये लोन पेयर अपना इस प्रोटॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, और ये एच प्लस बच्चों क्या है, एसिड का काम करेगा, तो बनेगा हमें बच्चों आर एन एच थ्री प्लस। ठीक है, तो बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा इस स्टेबिलिटी पर, इसकी स्टेबिलिटी पर जो कंजुगेट एसिड बना है ये कितना स्टेबल है। तो बच्चों ये देखिए, अगर ये बेस है और प्रोटॉन गेन करके ये बना कंजुगेट एसिड। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन। ठीक है, तो बच्चों जो कटायन बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी पर बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, और बेसिक स्ट्रेंथ आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी वैल्यू। ठीक है, कभी केबी और पी केबी का ऑर्डर भी आपसे पूछता है, तो सेम चीज़ है। और बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ वाइल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हमें ध्यान रखना है। अब बच्चों एक जनरल ऑर्डर बना देते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, जनरल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बच्चों अगर हम जनरल ऑर्डर बात करें तो एक बेस है जिसको गुआनिडीन कहते हैं बच्चों। गुआनिडीन है NH2 कार्बन डबल बॉन्ड NH एंड NH2। बच्चों ग्वानिडीन को हम स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के नाम से जानते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ में ये सबसे आगे है। ग्वानिडीन के बाद इसका छोटा भाई एमिडीन, इसका नंबर आता है। और एमिडीन की बात करें अगर हम बच्चों, तो CH3 C डबल बॉन्ड NH एंड NH2, इसके छोटे भाई एमिडीन का नंबर आता है। फिर हम देखते हैं बच्चों एलिफैटिक एमीन। ठीक है, एलिफैटिक एमीन के बाद एरोमेटिक एमीन, एलिफैटिक एमीन देन अमोनिया, और अमोनिया के बाद एरोमेटिक एमीन। और अगर हम अमाइड की बात करें तो अमाइड इज द वीकेस्ट बेस, अमाइड बच्चों सबसे पीछे रहता है अमाइड। ठीक है, ये तो बच्चों क्या है, एक ही जनरल ऑर्डर है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि गुआनिडीन इस तरीके का कंपाउंड, देन एमिडीन, एलिफैटिक एमीन, अमोनिया, एरोमेटिक एमीन। तो एलिफैटिक एमीन जैसे बच्चों आर एन एच टू टाइप का ये रहा, और अमोनिया है NH3, और एरोमेटिक की बात करें तो इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसे एनिलीन टाइप का सिस्टम है बच्चों, ये NH2, और अमाइड है बच्चों आर सी ओ एन एच टू, ये है अमाइड। बच्चों इस केस में भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए जैसे एलिफैटिक एमीन वाले केस में देखिए, एलिफैटिक जो एमीन का केस है काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसमें ऑर्डर पूछता है। तो जैसे बच्चों आप देखिए, ये आर एन एच टू प्राइमरी एमीन, आर टू एन एच
सेकेंडरी अमीन, R3N टर्सरी अमीन है, और अमोनिया से अगर हम इसको कंपेयर करें तो बच्चों देखिए ये 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर स्ट्रेंथ को देखें तो ये अमोनिया से तो ज़्यादा बेसिक है, तो अमोनिया इस ऑर्डर में तो सबसे पीछे रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इन सभी केसेस में कहीं ना कहीं अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बनाता है, मीन्स नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, तो अमोनिया से तो आगे रहेंगे। अब बच्चों देखिए, अब देखिए अगर इफ आर इक्वल्स टू CH3, तो अगर आर CH3 है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी, स्टेरिक हिंडेंस वगैरह को देख करके फाइनल जो ऑर्डर आता है उस चीज को ध्यान रखना है। तो फाइनल ऑर्डर क्या बना, 2, 1, 3 एंड NH3। तो NH3 जो सबसे पीछे रहेगा, 2, 1, 3 क्या है, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर RCH3 है तो 2, 1, 3 का ऑर्डर आएगा। अब देखिए इफ R इज C2H5, अगर R C2H5 है तो ऑर्डर बनता है बच्चों 2, 3, 1, और अमोनिया इस केस में भी बच्चों पीछे रहने वाला है। तो ये ऑर्डर थोड़ा आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखने के लिए थोड़ा सा मैं तरीका बना देता हूँ। 2 डिग्री दोनों में ही आगे है। अब यहाँ देखिए 1 डिग्री और इसमें आया 3 डिग्री, इस ग्रुप को देख सकते हैं CH3 छोटा ग्रुप है तो छोटा नंबर आ गया। अब C2H5 की बात करें तो CH3 से बड़ा ग्रुप है तो छोटा ग्रुप छोटा नंबर, और जो बड़ा ग्रुप है उसके साथ बड़ा नंबर ये रहेगा। तो ये चीज पूछी आती है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर आपसे पूछता है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा तो आपको ये बता देना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी बच्चों आपको एक्वस सॉल्यूशन वाला ही ऑर्डर हम कंसीडर करते हैं। अब बात आती है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है इन गैस फेज। तो गैस फेज में कोई लफड़ा नहीं है बच्चों, सिंपल 3, 2, 1 और अमोनिया। गैस केस में ग्रुप कैसा भी रहे ऑर्डर है आपका बच्चों 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, और उसके पास उसके बाद जो आएगा वो होगा अमोनिया, ठीक है। तो बच्चों वाटर है को सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह का रोल होता है, गैस फेज में ऐसा कुछ रोल है नहीं, तो ठीक है। तो ऑर्डर आपको 3, 2, 1 बना देना है। तो एक तो बच्चों ये एलिफेटिक एमीन का जो इम्पोर्टेंट केस है वो मैंने आपको बताया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एरोमेटिक एमीन के साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो कंपेरिजन है उसको भी हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ऑर्डर है बच्चों हमने लिखा CH3NH2 और ये है बच्चों एनिलीन है। इसमें अगर हम कंपेयर करें बेसिक स्ट्रेंथ को तो आप देखते हैं कि इसमें अगर बात करें तो लोन पेयर क्या है बच्चों, लोकलाइज्ड है, ठीक है। और इस केस में अगर आप बात करें बच्चों तो लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, तो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। बच्चों बेस के लिए जरूरी क्या है, लोन पेयर का लोकलाइज्ड होना, लोन पेयर का अवेलेबल होना, ठीक है। अगर डीलोकलाइज्ड हो रहा है रेजोनेंस का पार्ट है तो वो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब बच्चों सिंपल सी बात है, ऑर्डर में लिखने का मतलब यही था कि एलिफेटिक अमीन आगे क्यों है, यही आपका बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है और यही आपका बच्चों KB का ऑर्डर है। लोन पेयर लोकलाइज्ड मतलब अवेलेबल है फॉर डोनेशन, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर बच्चों आपको कभी ऐसे लिख जाए C6H5CH2NH2 एंड C6H5NH2, ठीक है बच्चों, इस केस में भी आप ध्यान दीजिए, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट NH2 लगा हुआ है, ये ऐसा है बच्चों, ये NH2, ठीक है। और इसमें देखें तो ये रिंग के बाद वाले कार्बन से जुड़ा हुआ NH2 है, तो आपको पहचानना है कि एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। तो बच्चों आप इसकी अगर बात करें तो अगर रिंग से डायरेक्ट NH2 जुड़ा हुआ है ये एरोमेटिक एमीन है, ठीक है। और अगर जो रिंग से डायरेक्ट NH2 ना लगे तो उसको हम बोलते हैं बच्चों एलिफेटिक एमीन,
दिस इज एलिफेटिक एमीन। ठीक, तो बात समझ में आ गई। तो अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीनिक से जुड़ा है तो वो एरोमेटिक नेचर का है, अगर डायरेक्ट जुड़ा नहीं है तो वो एलिफेटिक एमीन कहलाएगा। और अभी देखा बच्चों कि जो एलिफेटिक एमीन है उसका बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक एमीन से ज्यादा होता है, तो एक ये केस बच्चों आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल है जो पूछ लेता है, उसको भी देखिए। तो वो एग्जांपल ये है बच्चों कि जैसे हमने लिया है ये NH2 और है NHCS3 एंड ये। तो इस केस में अगर कंपैरिजन करना हो बच्चों, अगेन ऑर्डर ये बनेगा। ठीक है, और यहां पर सिंपल सा केस है, 3 डिग्री वाला ये आगे है, सब्सटीट्यूटेड है 2 डिग्री वाला, और ये प्राइमरी। तो ये बच्चों जो 2-1-3 या 2-3-1 वाला जो ऑर्डर है वो सिर्फ आज जब अल्काइल ग्रुप होता है तभी लगाते हैं, फिनाइल के साथ हमेशा बच्चों आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन और पूछा जाने वाला एग्जांपल है। तो देखिए जिसमें हमने लिया है पायरिडीन, पायरोल एंड एनिलीन, यह है NH2। तो ये पूछे जाने वाला एग्जांपल है जिसमें हमें बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो बच्चों अगेन हम फैक्टर एक ही है, बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे डिसाइड करते हैं? तो बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने का सिंपल सी चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो बच्चों देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो ये नाइट्रोजन पिरिडीन में अगर हम रेजोनेंस देखते हैं तो ये जो पाई बॉन्ड है बच्चों रिंग पर प्रेजेंट जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस करते हैं, लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। तो इस केस में बच्चों क्या है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना है जब भी कंपैरिजन आता है लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। और बच्चों इन दोनों ही केसेस में देखिए लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर भी रिंग के साथ रेजोनेंस है। और इस केस में अगर देखें तो बच्चों ये लोन पेयर यहां पर भी रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो सबसे आगे होगा हिंदुस्तानी फर्स्ट, देन सेकेंड और थर्ड बच्चों क्या होंगे, पीछे होंगे। अब बच्चों आप इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, इनको डिसाइड करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। अब आप देखिए बच्चों इस पार्ट में एरोमेटिसिटी के लिए लोन पेयर का होना बहुत ही जरूरी है। पायरोल एक हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड है और इस केस में बच्चों क्या है, डीलोकलाइज रेजोनेंस दोनों में ही हो रहा है। तो इस केस में क्या है, लोन पेयर इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है, मतलब क्या है, इट इज हाईली डीलोकलाइज्ड। ठीक है, तो इसकी अवेलेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बार आपको मिल भी सकता है डोनेशन के लिए, लेकिन अगर एरोमेटिसिटी का पार्ट हो गया तो ये मस्त हो गया, मतलब इसको कोई चिंता नहीं है। ठीक है, एच प्लस आके खड़ा रहेगा, इसके दरवाजे पर ये आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो अगर हम सेकेंड और थर्ड में कंपेयर करें तो इट इज लेस बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, तो इसका एनिलीन से बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा तो फाइनल ऑर्डर बन जाएगा 1-3-2। तो ये बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स थे वो मैंने डिस्कस किए। अब हमारा मेन जो उद्देश्य है वो हमें देखना है कि जो नीट या अदर एग्जाम में
बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उन चीजों को समझने की कोशिश हम करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, इससे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन। बच्चों हमें ये देखना है कि एनिलीन क्या है। एनिलीन है बच्चों C6H5NH2, और एनिलीन से ज्यादा बेसिक कौन होगा वो हमें बताना है। तो बच्चों अगर हम इस केस में देखें तो पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो अगर आप इसको देखते हैं तो पैरा नाइट्रो एनिलीन का मतलब क्या है बच्चों, NH2 एंड NO2। ठीक है, NO2 का नेचर क्या है, NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एनिलीन से पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें बच्चों, सिर्फ समझने की कोशिश करें, ये है एनिलीन। ठीक है, और एनिलीन से लेस बेसिक होगा जब उसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, एंड मोर बेसिक होगा जब उसमें होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ठीक है, और हमने आपको एक जनरल ऑर्डर बताया था, उसमें भी लिखाया था एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट तो नहीं रहा, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों बेंजाइल एमीन, और बेंजाइल एमीन क्या है, C6H5 और CH2 एंड NH2। तो बेंजाइल एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से ज़्यादा होगा। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, अगर आयन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, अब इसको न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। H प्लस देने के बाद ये CH3 बन गया, और हमने इसको H प्लस प्रोवाइड किया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना, और हमने इसको H प्लस प्रोवाइड किया तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH है। अगर बच्चों एनायन दिए हैं और एनायन में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो आप उसको न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो इनमें अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना चाहें तो आपको पता है बच्चों अल्काइन्स आर मोर एसिडिक देन एल्कीन एंड एल्केन। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या ये है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, जस्ट अपोजिट, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से बनेगा। और जो ऑर्डर इसका दिया है आपको एनायन फॉर्म में दिया है तो यही ऑर्डर बच्चों यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट हम सिंपल से निकाल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इसको हम सीबी कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस एसिडिक की बात करें तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन सब में बच्चों क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये क्या बनेगा बच्चों, वीक कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस बनाता है, मतलब इस केस में बच्चों इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम रहेगी। ठीक है, और ये अगर देखें तो ये सबसे पीछे है, ये वीक एसिड है, अगर इसका एसिड का पार्ट वीक है तो इसका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो क्या होगा बच्चों, इसका जो बेसिक पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इस वजह से बच्चों यहाँ पर क्या है, ये CH3 CH2- ये स्ट्रॉन्ग बेस है, देन CH2 डबल बॉन्ड CH- एंड फाइनली सबसे लास्ट में होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C-। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एनिलीन है और उस पर ग्रुप लगाए हुए हैं, CH3 के केस की बात करें तो बच्चों CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और NO2 की बात करें NO2 इज ए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ठीक है, और सिर्फ सिंपल जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है ये रेफरेंस का काम करेगा। जैसे अभी हमने आपको बताया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थर्ड है, देन रेफरेंस जो कि खुद एनिलीन है, रेफरेंस जो कि फर्स्ट है वो आएगा, एंड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, वो सबसे पीछे होते हैं, तो इसमें आंसर मिलेगा आपको थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बच्चों देखते हैं अदर एग्जाम में
जो बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बनानी है। अब डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, आसानी से हम बच्चों अरेंज कर सकते हैं, या केबी का ऑर्डर हो या पीकेबी का ऑर्डर हो, ठीक है। तो जो देखिए, सबसे पहला काम अगर आप देखें तो हमें ये चेक करना है कि नाइट्रोजन पर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज़्यादा कहाँ पर है, ठीक है। उसके बेसिस पर देखिए बच्चों, ये देखिए रेजोनेंस मिला, यहाँ पर देखिए ये रेजोनेंस हो रहा है, इस केस में देखिए ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप बात करें, ये इसकी देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, तो इन सभी केसेस में ये है बच्चों आपका एलिफैटिक एमीन। तो एलिफैटिक एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, सेकंड सबसे आगे हो गया। अब बच्चों फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये पीछे रहेंगे। अब बच्चों अगर हम इनमें डिसाइड करें, अब इनमें आगे कौन, बच्चों देखिए ये एलीन है और ये नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड एन सब्स्टिट्यूटेड एलीन है, तो यहां पर देखिए इसका प्लस आई इफेक्ट से क्या है बच्चों, इन CH3 का जो प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, वो इसको कहीं ना कहीं इस एनिलीन वाले से आगे पहुंचाएगा। दूसरा बच्चों, ये OCH3 माइनस आई प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है। तो अगर हम बच्चों अब इन सब में कंपैरिजन करें तो इस स्ट्रेंथ को, इसको मतलब हमने अभी बताया था बच्चों आपको, ये C6H5 और नाइट्रोजन पर अगर सब्स्टिट्यूएंट है वो आगे होगा, और फिर C6H5NHCH3 या इसके बाद होता है बच्चों C6H5NH2, इस तरीके से ये ट्रेंड चलता है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है, तो इस ट्रेंड के हिसाब से बच्चों सेकंड तो आगे है। अब सेकंड के बाद थर्ड आएगा इस कैटेगरी में। अब बच्चों आपने किया फर्स्ट और फोर्थ को पीछे, ठीक है। अब बच्चों देखिए सेकंड, थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ में कैसे डिसाइड करेंगे, तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों में ही NH2 है, बस डिफरेंस आ रहा है बच्चों इस OCH3 का। तो OCH3 मेटा पर है, माइनस आई प्रोड्यूस करेगा, तो माइनस आई मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप है, एंड इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। तो ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ जो फर्स्ट का ज़्यादा होगा फोर्थ से, ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस है और रेफरेंस से कम बेसिक होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप होता है। तो फाइनल ट्रेंड अगर आप देखें तो फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर मिलेगा बच्चों आपको इस तरीके से। तो हम आंसर्स ला सकते हैं बच्चों ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इस केस में भी हमें बेसिक स्ट्रेंथ बनाना है। देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसी वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म ही है ये। तो बच्चों देखिए अगेन, तो फर्स्ट जो आपका थर्ड है बच्चों, ये तो सबसे आगे होगा कि थर्ड वाला क्या है, ये एलिफैटिक एमीन है, एलिफैटिक है और लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है बच्चों। फर्स्ट क्योंकि यहां पर भी रेजोनेंस करेगा, यहां पर भी रेजोनेंस है और कहीं ना कहीं ये भी रेजोनेंस का पार्ट है। तो ऐसे केस में मतलब फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ वाले केस में लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, अगर लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है मतलब डीलोकलाइज्ड है, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। ठीक, तो बात समझ में आ गई, हमने थर्ड को सबसे आगे किया। अब क्या करना बच्चों, आपको ऐसे ऑप्शंस को देखना है जहां पर थर्ड सबसे आगे है, ठीक है। आपको इतना काम करते ही एक या दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, और फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ पीछे हैं, ठीक है। अब जो हम यहां पर डिसाइड करते हैं थोड़ा सा, देखिए तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए OCH3 का जो इफेक्ट है, OCH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और लोन पेयर होने की वजह से प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब देखिए कि ऐसे केस में सेकेंड से आगे फोर्थ रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या है, सेकेंड वाले की ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ चुका है, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेफरेंस से
ज्यादा बेसिक होता है, मतलब ये रेफरेंस का काम कर रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लीजिए, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों में सबसे आगे कौन होगा, मतलब अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें तो सेकेंड वाला फर्स्ट से ज्यादा बेसिक है। सिर्फ समझने की कोशिश करें, यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, ठीक है। अगर बच्चों समझ लीजिए, ग्रुप ना होता तब तो ये आगे था ही, अभी ग्रुप आ गया है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो जब इलेक्ट्रॉन में डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये देखिए इसके रेजोनेंस को रोक रहा है, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है और ये रिंग के साथ रेजोनेंस करना चाह रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से पुश करेगा तो ये वाला लोन पेयर जो नाइट्रोजन का है वो रेजोनेंस का पार्ट आसानी से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है, इसका इधर से इलेक्ट्रॉन का आना, ये नीचे से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, ये इसको अपोज कर रहा है। तो ऐसे केस में ये जो रेजोनेंस है ये उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। इस केस में बच्चों इसको कोई अपोज करने वाला नहीं है, सीधा रिंग ये इलेक्ट्रॉन को, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन तो आसानी से डोनेट हो जाएगा। तो इस केस में बच्चों ये क्या है कि लोन पेयर अब रिंग का, रिंग को आसानी से डोनेट नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों सेकेंड वाला फर्स्ट वाले से ज्यादा बेसिक है, तो यहाँ पर बच्चों थर्ड तो ठीक है आगे हो गया, और सेकेंड, फिर सेकेंड आएगा बच्चों, और फिर देख रहे हैं कि बच्चों ये इन दोनों ही केसेस में देखिए, अगर हम फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करें तो फर्स्ट और फोर्थ में फर्स्ट वाला फोर्थ से ज्यादा बेसिक है, ठीक है, क्योंकि ये NH2 और ये NHCH3 अभी इसको एक्सप्लेन किया, तो बच्चों अब मिला आपको, इसका मतलब कहने का मतलब ये रहा यहां पर फोर्थ वाला सबसे पीछे है। ये है बच्चों आपके बेसिक क्वेश्चन का फाइनल ऑर्डर, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको देख लीजिए, यहां पर ये बिल्कुल टेम्पलेट टाइप का सवाल है बच्चों, ये 2° एमीन और ये प्राइमरी एमीन और ये है अमोनिया, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में 2° वाला सबसे आगे, देन 1° वाला, मीन्स अगर हम इसकी बात करें, नंबर लिख लेते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है, तो थर्ड सबसे आगे होगा बच्चों, देन फर्स्ट और अमोनिया में चूंकि हाइड्रोजन ही लगा हुआ है, इसको कोई सपोर्ट करने वाला ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो अमोनिया वाला एलिफेटिक एमीन से कम बेसिक होता है, जो कि आपका है बच्चों थर्ड और सेकेंड और फर्स्ट जो अमोनिया है ये पीछे रहेगा। तो फाइनल ऑर्डर मिला बच्चों आपको इस तरीके से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बच्चों अगेन एनिलीन, यहाँ पर भी बच्चों सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, ये भी एनिलीन है, इसकी बात करें तो बच्चों ये क्या है, बेंजाइल एमीन, ठीक है, तो बेंजाइल एमीन एलिफेटिक एमीन है, एलिफेटिक है, एंड एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं, और ये बच्चों क्या है, ये एरोमेटिक है, ठीक है, तो बेंजाइल एमीन दैट इज एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन्स। बच्चों देखिए नेक्स्ट, द फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन इज आर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रोटोनेशन का मतलब ये है, जैसे बच्चों ये बेस है RNH2 और ये H प्लस है, ठीक है, तो H प्लस को पकड़ने के बाद क्या बन जाएगा, RNH3 प्लस, ठीक है, तो फेवरेबल साइट ऑफ प्रोटोनेशन मतलब क्या है, आपको वो साइट बतानी है जहां पर लोन पेयर अवेलेबल है, क्योंकि अगर लोन पेयर अवेलेबल होगा तो वो आसानी से प्रोटॉन को गेन कर लेगा, ठीक है, प्रोटोनेट हो जाएगा, तो इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज मस्ट, ठीक है, तो प्रोटोनेशन के लिए लोन पेयर जरूरी है। बच्चों आप ए की बात करें तो ये देखिए रेजोनेंस का पार्ट है, तो ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये रेजोनेंस में मस्त है, तो अगर प्रोटॉन आया इसके पास तो वो इंतजार ही करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला अवेलेबिलिटी नहीं है ए के लोन पेयर की। अब बच्चों बी और सी की बात करें तो बी और सी अवेलेबल है, क्योंकि जैसे कि बच्चों हमने आपको बताया कि पिरिडीन वाला जो केस है, पिरिडीन के केस को अगर हम कंसीडर करें तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जो एरोमेटिक सिस्टम है ये पाई इलेक्ट्रॉन
की वजह से है, इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर मतलब क्या है बच्चों, लोन पेयर अवेलेबल है, तो सी वाला अवेलेबल है, सिमिलरली बी वाला। अब बच्चों यहाँ पर ये ई अवेलेबल नहीं होगा, ये बिल्कुल पायरोल वाला सिस्टम है, क्योंकि इसके साथ एरोमेटिक सिस्टम का ये पार्ट है, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे कि बच्चों हमने इस केस में आपको बताया, ये NH यहाँ पर भी अवेलेबिलिटी नहीं है। हाँ बच्चों ये D वाला बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि ये सिस्टम में यहाँ पर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है, लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, तो जहां पर लोन पेयर अवेलेबल है वो है बच्चों बी सी एंड डी को मिला। तो इस केस में बच्चों देखा ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ए यहां पर है फर्स्ट ऑप्शन में, ए थर्ड ऑप्शन में है और ए फोर्थ ऑप्शन में भी है, तो ये सारे आंसर्स कट जाएंगे, तो अवेलेबिलिटी में आप ऐसे भी निकाल सकते थे, तो दो तरीके आप एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं और ऐसे चेक करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डिक्रीजिंग पीकेबी वैल्यू, बच्चों इस तरीके से मतलब ये है, तो अगर हम देखें यहां पर हाई पीकेबी और यहां पर क्या है बच्चों लो पीकेबी, ठीक है, मतलब क्या है, मतलब बच्चों ये है मोस्ट बेसिक, ठीक है, और जो आगे है जिसका पीकेबी सबसे ज्यादा है वो क्या है लीस्ट बेसिक, इस तरीके से अरेंज करना है। बच्चों ध्यान दीजिए इस ए को पहचानो, अगर आप सही से पहचान पा रहे हैं ये क्या है, ग्वानिडीन डेरिवेटिव है, ग्वानिडीन डेरिवेटिव मतलब कि बच्चों इसको ग्वानिडीन से बनाया गया है, और ग्वानिडीन के अगर स्ट्रक्चर को आप देखने की कोशिश करें वो इस तरीके से था NH2 और NH2। यहां पर देख रहे हैं कि H को हटा करके, इन हाइड्रोजन को हटा करके ऐसा रिंग वाला सिस्टम क्रिएट किया गया है, एंड ग्वानिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसका मतलब क्या है बच्चों डिक्रीजिंग पीकेबी का जो केस पूछ रहा है उसमें ए सबसे पीछे होगा, ठीक है। अब बच्चों इन सब में बात करें तो आप बच्चों इन दोनों को देखें तो ग्वानिडीन को तो अलग कर लिया, अब आप बच्चों यहां पर देखें तो ये केस आप दोनों ही केसेस में देखें, नाइट्रोजन का यहां पर हाइब्रिडेशन sp2 है और इस केस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 है, क्योंकि बच्चों इन दोनों ही केसेस में लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, क्योंकि बच्चों यहां पर भी रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस यहां पर भी नहीं है, तो अगर रेजोनेंस नहीं है तो मतलब क्या है बच्चों लोन पेयर लोकलाइज्ड है, अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो नेक्स्ट जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से कैसे डिसाइड करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ sp3 नाइट्रोजन का sp2 नाइट्रोजन से ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि sp2 नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने लोन पेयर को जाने नहीं देगा, अगर लोन पेयर जा नहीं पाएगा किसके पास नहीं जाएगा, प्रोटॉन के पास, या प्रोटोनेशन नहीं कर पाएगा, अगर प्रोटोनेशन नहीं कर पाया तो बेस का कोई मतलब नहीं है, बेस क्या करता है प्रोटोनेशन करता है, ठीक है। तो इस केस में बच्चों अगर हम बात करें तो बी आ जाएगा और फिर ए, तो ए की कहानी क्या है, ये है बच्चों सी है बच्चों ये सी और यहां पर है बी, तो जो सी है वो है बच्चों आपका लीस्ट बेसिक, जो लीस्ट बेसिक होगा उसका पी के बी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो बच्चों देखिए डी वाला एलिफेटिक एमीन है एंड लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, लोन पेयर क्या है बच्चों लोकलाइज्ड है, तो इस केस में बच्चों सी की बात करें तो इस केस में बच्चों पिरिडीन है लोन पेयर लोकलाइज्ड, ठीक है, इसका मतलब बच्चों अब इन दोनों में देखें, इन दोनों केस में लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, स्टार्टिंग में भी बच्चों हमने आपको एक्सप्लेन किया था, तो पायरोल के केस में लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है, तो फिलहाल अगर हम देखें बेसिक स्ट्रेंथ को तो सी और डी आगे होगा ए और बी पीछे होगा,
तो सबसे पहली जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, हमें ये कंपेयर करने के लिए अलग कर लेना है कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। तो हमने इतना कंपेरिजन किया। अब इन दोनों में देखिए बच्चों, जब दोनों ही लोकलाइज्ड हों तो आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। यहां पर बच्चों क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है और ये है sp2, क्योंकि दो टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। बच्चों यहां पर क्या है, 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बात आके रुकती है कि sp3 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 नाइट्रोजन से कम होता है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उस जगह से लोन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएगा। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, डी वाला सी से ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, ऐसा केस अभी इसके पहले भी डिस्कस किया था। अब बच्चों ए और बी की अगर हम बात करें, ए और बी की बात करें, तो अभी भी बच्चों हमने आपको बताया है कि ए आगे और बी पीछे। क्योंकि बी वाले केस में, जो पायरोल वाला केस है, इसके केस में लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, तो इट इज हाईली डीलोकलाइज्ड एंड इट इज लीस्ट बेसिक अमंग ए बी सी एंड डी। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें बच्चों इसको देखें, अगर हम पायरोल को, तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर हम इस सी को देखें तो ये बच्चों लोन पेयर लोकलाइज्ड सबसे आगे। तो यहां पर भी देखेंगे, यहां तो लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, लेकिन इस केस में बच्चों क्या है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लेकिन ये क्या है बच्चों, sp2 है। ठीक है बच्चों, देखिए और यहां पर sp3 है। तो अगेन बिल्कुल बच्चों इस तरीके का केस आपको नजर आता है, जैसे इस एग्जांपल में देखा था बच्चों हमने यहां पर, और ऐसे वाले केस को कंसिडर किया था। और यहां पर भी बच्चों आप देखें तो लोन पेयर लोकलाइज्ड। ठीक है, तो इन सभी केसेस में बच्चों आपका बी तो सबसे पीछे होगा, क्योंकि बी वाला पायरोल वाला केस है, लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। तो यहां पर क्या है बच्चों, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। ठीक है, अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो ये क्या है बच्चों, आपका लीस्ट बेसिक। आगे जो रहने वाले हैं वो है ए सी एंड डी। ठीक है, अब बच्चों आप देखिए बी तो पीछे है, अब अगर हम बात करें सी और बी, ए सी डी में सबसे ज्यादा कौन होगा, तो यहां पर भी बच्चों देखिए sp2 है, तो sp2 एंड sp3। ठीक है, तो sp3 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होने की वजह से आसानी से लोन पेयर डोनेट होगा। अब ए और डी की बात आती है, ए और डी को हम कैसे डिसाइड करेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बच्चों देखें ए और डी में, ठीक है, तो अब दोनों ही sp2 हैं, तो कैसे देखेंगे, हम प्रोटोनेशन करा सकते हैं। जैसे ही बच्चों हमने इसका प्रोटोनेशन कराया तो हमें मिला NH+ इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम बच्चों इसका प्रोटोनेशन कराते हैं बच्चों, ये लोन पेयर अवेलेबल है, ये प्रोटोनेट हो जाएगा और आपको मिलेगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको एक ऐसा रेजोनेंस मिलेगा इस तरीके से। तो हमें मिला कुछ ऐसा सिस्टम। तो ये बच्चों क्या है, ये बने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस केस में, डी वाले केस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आफ्टर प्रोटोनेशन, वो क्या है, इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब अगर हम
इसमें देखेंगे तो इसका तो रेजोनेंस ऐसा चलता रहेगा, इसमें तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके केस में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो बच्चों देखिए बी और डी सी और ए वाला पीछे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा है इंक्रीजिंग पीकेवी, तो इस तरीके से ऑर्डर मिलेगा बच्चों। तो इंक्रीजिंग पीकेवी का मतलब है जिसका पीकेवी ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, यहां मिलेगा लीस्ट बेसिक और सबसे पीछे मिलेगा आपको मोस्ट बेसिक। ठीक है, तो बच्चों हम अगर अरेंज करें तो देखिए OCS3 का प्लस एम इफेक्ट, मतलब कि बच्चों क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, और यहां पर CN लगा है, मेटा पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर बच्चों रेजोनेंस नहीं होता है तो सिर्फ माइनस आई का काम करेगा और OH का भी माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें बच्चों तो ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक है, मोस्ट बेसिक। ठीक है, तो जो फर्स्ट उस पीछे होगा क्योंकि इसका प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं और ये वाले बच्चों थर्ड और फोर्थ आगे रहेगा, पीकेबी का ऑर्डर बनाना है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ में बच्चों कमजोर रहेंगे क्योंकि माइनस आई जो ग्रुप है वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। अब आगे बच्चों सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इसके बाद सेकेंड का नंबर लगेगा क्योंकि सेकेंड और फर्स्ट दोनों एक जैसे हैं, बस फर्क क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, पीकेबी का ऑर्डर हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो मोस्ट बेसिक पीछे, उसके बाद सेकेंड जो बेसिक है वो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए फाइनली इन दोनों में डिसाइड करते हैं, इन दोनों में देखिए माइनस आई पावर साइनाइड का OH से ज्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है जिसका माइनस आई पावर ज्यादा वो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन मिटाइन ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, ये है बच्चों आपका लीस्ट बेसिक। इसका मतलब ये रहा बच्चों, अगर हम फाइनल ऑर्डर बनाते चाहें वन के बाद सेकेंड और लीस्ट बेसिक क्या है बच्चों थर्ड, तो थर्ड और उसके पीछे होगा हमारा फोर्थ वाला। बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है।